हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दावते जायका पे। देखिए ये हम सोया चाप बनाएंगे आज, बहुत ही टेस्टी सी सोया चाप। ये पनीर वाली दुकान पे मिलती है, उबली हुई होती है, गली हुई। इसे बस हमें थोड़ा सा फ्रेश करना होता है, अपने घर में ला के गर्म पानी में नमक डाल के चुटकी भर हम इसे उबाल लेंगे। गली तो ये होती है, पकी हुई होती है, फिर भी चाकू से चेक कर लेंगे थोड़ी और नरम हो जाए, और हम इसे पानी से बिल्कुल अलग कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उन्हें तो बेहतरीन, बहुत ही पसंद आती है ये। और इसमें प्रोटीन बहुत होता है, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होती है। अब ये उबल चुकी है, हमने पानी से अलग कर लिया। हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। स्टिक जो होती है, आइसक्रीम वाली स्टिक होती है अंदर, वो निकाल लेंगे। दो से तीन मैं स्टिक वाली भी छोड़ूंगी, देखने में अच्छी लगती है। और ये छोटे छोटे पीस कर लिए हमने सारे के, और तीन मैंने ऐसे रखी है। देखिए तीन में से स्टिक ने निकाली है, और एक तरफ हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है। इसे हम फ्राई करेंगे अच्छे से, ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म है, सरसों का तेल लिया मैंने। आप रिफाइंड लें या जो भी आपको ठीक लगे, बटर में भी बना सकते हैं आप, बटर में बहुत ही टेस्टी बनता है। हम ऑयल में बना रहे हैं, सरसों का तेल है, गर्म हो गया हमारा तेल, उसमें हमने डाल दिया है। दो से चार मिनट में ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन, तो हम निकाल लेंगे इसे बाहर। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, अलटते पलटते हुए दो तीन बार हम करेंगे, फिर हम बाहर निकाल लेंगे इसे तेल से। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये, इसके साथ नान परांठे, बहुत ही मज़ेदार। जो ब्राउन हो जाएगा उसे हम एक एक करके निकाल लेंगे, तेल से बाहर कर लेंगे। और जो बची थी मैंने और भी डाल दी है, क्योंकि ये हमारे दो स्लॉट्स में हुआ है, एक बारी में नहीं हुआ, ज़्यादा थी तो। करारी हो गई, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, नमक चाट मसाला लगा के, बच्चों को क्रंची बहुत ही अच्छी लगेगी, टेस्टी मज़ेदार। उसी तेल में मैं जीरा डाल दूंगी, पाँच से छः हमने प्याज काटा हुआ है बारीक, और ये प्याज डाल दूंगी मैं इसी में। तेल हमारा गरम है पहले से ही, जीरा डालने के बाद प्याज डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। इसका कलर चेंज ना हो, बस प्याज को इतना भूनेंगे, हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसका जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए प्याज का, इतना ही भूनेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे। सोया चाप देखने में ऐसे ही मज़ेदार लग रही है, हम इसको मैरिनेशन कर लेते हैं। इसका दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी मैं, और दो से तीन चम्मच फ्रेश मलाई जो होती है घर की वो डालूंगी। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, मलाई डालने से इसका टेस्ट अलग ही आ जाएगा और क्रीमी रिच। ये नमक डाल रही हूँ मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक से डेढ़ चम्मच। लाल मिर्ची, ये कश्मीरी मिर्च है जो कलर के लिए डालेंगे हम, ये हमारी रेगुलर मिर्ची है पिसी हुई। थोड़ी सी हम हल्दी भी डालेंगे, धनिया पिसा हुआ है लेकिन हम वो नहीं डालेंगे मैरिनेशन में, हम धनिया नहीं डालेंगे। नमक, मिर्च, और ये हमने मलाई डाल के अच्छे से मैरिनेशन कर लेना है। अगर आपको मलाई ना मिले आप दही भी डाल सकते हैं। एक एक पीस में लगा लेंगे जिसके अंदर तक मसाला चला जाए, नहीं तो फीकी फीकी लगती है, फिर वो मज़ा नहीं आता खाने में ना। फ्राई इसलिए करते हैं, फ्राई भी हो गई और फिर हमने मसाला भी इसमें लगा के रख दिया। देखिए प्याज का रंग हमारा चेंज हो रहा है, अभी दो मिनट और भूनेंगे इसे हम, प्याज की थोड़ी क्वांटिटी भी कम हो जाए। अब देखिए कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें चार से पांच पीसे हुए टमाटर और टमाटो प्यूरी ऐड करूँगी, आपको दिखाती हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं हम एक चम्मच, हमने मैरिनेशन में भी डाला था, ठीक है। एक से डेढ़ चम्मच डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये टमाटर हमने बारीक चॉप कर लिए थे चॉपर में, वो डाल देंगे। चार से पांच ही टमाटर हैं हमारे, ये हम अच्छे से डाल देंगे इसमें टमाटर भी, और साथ में ही मैं टमाटो प्यूरी भी डाल दूंगी इसी में। चला लेंगे हम टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन के पेस्ट को और भूनेंगे थोड़ा सा, ताकि टमाटर भी हमारा गल जाए। प्याज तो आधे गल गए हैं। ये तीन से चार चम्मच हम प्यूरी भी डाल देंगे। अगर आपको थोड़ा सा टेंगी चाहिए तो आप ज़्यादा भी टमाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा खट्टा नहीं करना, तो हम सिर्फ तीन चम्मच ही डालेंगे। और टमाटर भी हैं हमारे काफ़ी सारे,
इसलिए प्यूरी डालेंगे तो बहुत खट्टी खट्टी हो जाएगी सब्जी। देखिए अभी हमने पानी नहीं डाला इसके अंदर क्योंकि अभी तो हम भून ही रहे हैं इस मसाले को, पानी अपने आप ही छोड़ दिया। टमाटर प्याज जब पकते हैं तो पानी अपने आप ही आ जाता है। अब ये जो आधा मसाला हम निकाल लेंगे, आधे से ज़्यादा मसाला हम निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे क्योंकि इसे हमें मिक्सी में प्यूरी बनानी है। बाकी मसाले को हम भूनेंगे, जो हमारा आधा मसाला बचा उसे हम भूनेंगे। उसमें हम हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे, 5 से 6 हरी मिर्च, और चटपटा खाना आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लें। और ये जितने भी हमारे मसाले थे बचे हुए साबुत, ये पिसा हुआ धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च और रेगुलर मिर्च जो होती है वो, और हल्दी। हम जो बाकी हमारा कढ़ाई में प्याज टमाटर का मसाला था उसमें डाल देंगे सारे मसाले, बाकी हम ठंडा करके पीस के वो प्यूरी बना के फिर डालेंगे। देखिए हमारी प्यूरी तैयार हो गई है, इसे हम बिना छाने डालेंगे। हाँ ये गुदगुदा सा है, इसे हम बिना छाने डालेंगे और अच्छे से और भी पकाएंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला पूरी तरह से पक जाए। जितना मसाला अच्छे से पकेगा सब्जी का टेस्ट उतना ही दुगना आएगा, मतलब बहुत ही टेस्टी बनेगी। ऑयल ऊपर आ गया, काफ़ी देर हम पका चुके हैं। ये 10 से 12 काजू मैंने बारीक काट लिए थे वो डाल देंगे। काजू जब आएगा ना मुँह में बाइट आएगी, जब इसकी चंक्स बहुत ही टेस्टी लगेंगे। काजू डाल के भी हम अच्छे से चला लेंगे और पका लेंगे। थोड़ा सा और पकाएंगे अभी हम, फिर हम इसमें सोया चाप अपनी ऐड कर देंगे। देखिए सोया चाप ऐड कर दूंगी मैं, जिसे हमने मैरिनेशन में रखा हुआ था। आधा घंटा हो गया मुझे रखे हुए, जब तक मैंने प्यूरी वगैरह ठंडी की पीसा, जब तक इसको और अभी हम भूनेंगे पकाएंगे अभी इसके साथ। फिर हम थोड़ी सी ग्रेवी अगर करनी होगी तो ग्रेवी कर लेंगे। आपको ड्राई रखनी हो, लटपटा सा रखना हो, आप वो अपने टेस्ट के हिसाब से रख लेंगे। हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये 2 से 3 कप मैं पानी ऐड कर लूँगी। अभी मैंने 1 कप डाला है, 1 कप और ऐड करूँगी मैं पानी। ये मैंने 1 चम्मच के करीब अमूल बटर डाला है। कसूरी मेथी मैंने तवे पे भून ली है, वो भी डालेंगे। देखिए क्या लुक आ रही है, मज़ेदार। दिल कर रहा है ना गर्मा गर्म नान हो जाए या तंदूरी रोटी, मज़ा ही आ जाएगा। कसूरी मेथी को हम क्रश करके डाल देंगे अपनी सब्जी में। आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऊपर से हम रिच लुक के लिए मलाई ऐड कर देंगे, क्रीम जो फ्रेश क्रीम होती है हमारी। अगर आपके पास मलाई है आप मलाई भी डाल सकते हैं, क्रीम है आप क्रीम डाल सकते हैं। देखिए लुक आ रही है ना मज़ेदार। कर लेते हैं प्लेटिंग। ये जो मैंने स्टिक नहीं निकाली थी ना वो भी इसी में डाल रही हूँ। देखिए थोड़ी सी क्रीम हम और ऐड कर लेंगे जिससे कि ये और भी रिच हो जाए हमारी डिश। चलिए इंजॉय करते हैं इसे, नान परांठे किसी भी चीज़ के साथ आप इंजॉय करें, मेरी रेसिपी को ट्राई करें और अपना प्यार बनाए रखें मेरे चैनल को। मेरी हौसला अफजाई के लिए दिल से बहुत 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 बड़े वाला थैंक यू सो मच।